हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। बिहार के सीएम नीतीश ने लिखा पीएम को पत्र, बंद होनी चाहिए अश्लीलता फैलाने वाली वेबसाइट्स, रेप की बढ़ती घटनाओं के लिए ये साइट्स काफी जिम्मेदार, बच्चों और युवाओं के दिमाग को प्रभावित करती हैं वीडियो। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पीएम मोदी को पत्र लिखा जिसमें उन्होंने मांग की है कि अश्लीलता फैलाने वाली वेबसाइट्स बंद होनी चाहिए। इस तरह बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने इंटरनेट पर अश्लील वेबसाइट्स और अन्य अनुचित सामग्री दिखाए जाने पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र के जरिए कहा कि पिछले दिनों देश के अलग अलग हिस्सों से महिलाओं के साथ आपराधिक घटनाएं बढ़ी हैं। इस पर नीतीश ने लिखा कि इंटरनेट पर कम उम्र के बच्चे और युवा इस तरह की घटनाओं को देखते हैं और वो इससे प्रभावित होते हैं, इसी वजह से समाज में ऐसी घटनाएं बढ़ रही हैं। गौरतलब है कि पिछले दिनों भी नीतीश ने इसी तरह का बयान दिया था कि रेप की घटनाओं के लिए अश्लील पोर्न साइट्स काफी हद तक जिम्मेदार है। नीतीश ने अपने पत्र में लिखा कि लोग लड़कियों और महिलाओं के खिलाफ घटनाओं का वीडियो बनाते हैं और उन्हें सोशल मीडिया जैसे व्हाट्सएप फेसबुक पर अपलोड करते हैं। इस तरह के वीडियोस बच्चों और युवाओं के दिमाग को गंभीर रूप से प्रभावित करते हैं। नीतीश ने कहा कि कई मामलों में ऐसी सामग्री लोगों की मानसिकता को नकारात्मक बनाती है, इससे कई समस्याएं पैदा होती हैं और अपराध बढ़ते हैं। नीतीश कुमार ने यह भी कहा कि आईटी एक्ट के प्रावधान कारगर साबित नहीं हो पा रहे। नीतीश ने कहा कि आईटी एक्ट में प्रावधान तो हैं, लेकिन वो असरदार नहीं हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट भी कई बार इस बारे में निर्देश दे चुका है। नीतीश ने आगे कहा कि मेरे विचार से अभिव्यक्ति और विचारों की स्वतंत्रता के नाम पर इस तरह की अनुचित सामग्री का इतनी बड़ी तादाद में अवेलेबल होना ठीक नहीं है। महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध हो रहे ऐसे अपराधों के निवारण के लिए प्रभावी कार्रवाई बहुत जरूरी है। नीतीश ने कहा कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स को इस बारे में स्पष्ट दिशा निर्देश दिए जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि इस मामले में व्यापक जागरूकता अभियान भी चलाया जाना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि केंद्र सरकार इस बारे में जरूरी कदम उठाकर इस तरह के कार्यक्रम को दिखाने और उनको प्रसारित करने पर रोक लगाए। नीतीश ने जब पहले पोर्न साइट्स को लेकर सवाल उठाया था, तब उनकी सरकार में उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी से पत्रकारों ने सवाल पूछा था कि क्या देश में बढ़ती रेप की घटनाओं के लिए पोर्न साइट्स जिम्मेदार हैं। तब सुशील मोदी इस सवाल का जवाब दिए बगैर ही चले गए थे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।